सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा अपने चैनल पर जो भी वीडियोज है उन सबको फेल करने वाला वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो हमारा ऐसे डीजे सेटअप के बारे में तो नहीं कहेंगे, ऐसे डीजे सेटअप को बनाने वाले के ऊपर होने वाला है कि आप लोग वीडियो देख कर बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे कि ये हमारे डीजे सेटअप कितने से स्टार्ट किए और कहाँ पर पहुँच गए हैं। ऐसे आदमी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और उनके एक फेवरेट मिक्सर के बारे में बताने वाला हूँ कि उनका सबसे फेवरेट मिक्सर कौन सा है जो यूज करते हैं वो, और अपने ग्राहकों को भी वो देते हैं कि आप इसे यूज कीजिए, आपको अच्छी आउटपुट मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। आपको मैं इस तरह से पर्दा उठाने वाला हूँ कि आज के इस वीडियो में हमारे मेन किरदार निभाने वाले कौन से भाई हैं जो डीजे की लाइन में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और उन्हें बेस का बाप माना जाता है और डीजे में सबसे बेस का किंग माना जाता है, डीजे का राजा उन्हें भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है डीजे सर्जन के बारे में। डीजे सर्जन को कौन नहीं जानता होगा, बच्चा बच्चा डीजे सर्जन के बारे में जानता है। डीजे सर्जन भैया बहुत ही नेक दिल आदमी है और इनका सेटअप बहुत ही लाजवाब बजता है, इनके आगे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, या यूं कहें कि ये बेस के बाप कहे जाते हैं। सभी इन्हें बेस का बाप, डीजे का राजा भी कहते हैं, क्योंकि इनका सेटअप बहुत ही अच्छा बजता है और इनके मुकाबले का कोई अभी टक्कर में नहीं है। सो फ्रेंड्स, रही इनके फेवरेट मिक्सर की बात, वो होने वाला है हमारा स्ट्रेंजर का मिक्सर है। छोटा सा है मिक्सर, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये देखने में छोटा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है आपको। ये बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, इसमें प्रेशर आपको भरपूर मिलता है। इस मिक्सर के मॉडल नंबर की बात करें तो ये मिक्सर का मॉडल नंबर होने वाला है SXR6। ये 6 चैनल का मिक्सर है, इसमें आपको इको भी मिलेगा, तो आप लाइव में भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। डीजे में कमेंट्री वगैरह देने के लिए, आप लोग अनाउंसमेंट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ये मिक्सर बहुत ही लाजवाब मिक्सर है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये ऑरेंज और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। ये 6 चैनल का मिक्सर होने वाला है, इसमें आपको फेडर देखने को नहीं मिलेगा। इसका बेस इतना हैवी है कि आप थोड़ा सा भी गेन खोलेंगे तो आपके स्पीकर को हिला के रख देगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गेन इसका इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा भी बेस देंगे और थोड़ा सा भी गेन खोलेंगे तो आपको स्पीकर को पूरा हिला के रख देता है। सो फ्रेंड्स, ये मिक्सर बहुत ही लाजवाब मिक्सर है। अगर आप कम प्राइस में अच्छा मिक्सर ढूंढ रहे हैं और अपने डीजे में चार चार लगाना चाहते हैं और अपने बेस से प्रेशर लेना चाहते हैं आउटपुट में, तो आपको ये मिक्सर ज़रूर से बाय करना चाहिए। इस मिक्सर के प्राइस की बात करूं तो ये मिक्सर आपको 5,000 से 5,500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। अमेजोन पे इसका अप्रोक्स अभी का प्राइस आपको 5,200 रुपये देखने को मिलेगा, तो आप अमेजोन से ऑनलाइन भी इसका ऑर्डर दे सकते हैं, ये कैश ऑन डिलीवरी भी आपके घर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मिक्सर बहुत ही पावरफुल मिक्सर है और आप इसे अपने डीजे सेटअप में या लाइव सेटअप में दोनों में यूज कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, तो इसे आप कोई भी इसे बाय कर सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं आपको ये मिक्सर रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप ये मिक्सर ले लीजिए, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपके डीजे में चार चांद लगेगी, आपका पैसा बर्बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बेस के बाप डीजे सर्जन के सबसे फेमस या यूँ कहे कि सबसे फेवरेट मिक्सर्स में से एक है। ये अपने सभी डीजे सेटअप लेने वाले भाइयों को यही वाला मिक्सर वो देते हैं और उसी से इनके बेस में बहुत ही तगड़ा आउटपुट देखने को मिलता है। डीजे सर्जन भैया का मेन जो मकसद है कि कम बजट में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स सबको देना जो कि लाइफ टाइम तक चलें, लॉन्ग टर्म तक चलें, तो वो डीजे सर्जन भैया इसीलिए फेमस है और सभी भरोसे से इनके पास जाते हैं कि वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे और बेस्ट प्रोडक्ट ही हमें प्रोवाइड कराएंगे जो हमें लॉन्ग टर्म तक चले और उससे हम अच्छा खासा पैसा कमा सके अपनी डीजे लाइन में। फ्रेंड्स, अगर आप डीजे सर्जन भैया के डीजे सेटअप का सेटिंग देखना चाहते हैं और उनके मिक्सर की सेटिंग देखने के लिए अगर आप उत्साहित हैं, आपको उनकी सेटिंग्स देखनी है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उनकी सेटिंग्स का वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा कि वो अपने डीजे की सेटिंग कैसे करते हैं और वो अपने डीजे में बेस गेन कैसे यूज करते हैं, कितने पॉइंट तक वो
ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो आप लोगों के ही ऊपर है कि आप लोग कितने जल्दी कमेंट करेंगे और कितना ज़्यादा लाइक करेंगे और वीडियो को कितना शेयर करेंगे, उसी के ऊपर आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।